Good morning and welcome back to my lecture. Today's our topic is isomerism in complex compound. देखो ये काफी important topic है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर जो हम सीखने वाले simple सा topic है लेकिन exam के लिए important है. Isomerism different types के हम देखने वाले. As we had seen last time there are different complex compounds are there, but इस बार हम देखने वाले कि suppose certain complex compound जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है, वी कॉल देम आइसोमर्स. एस डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या बोलेंगे जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होंगे, उसको हम आइसोमर्स बोलेंगे. वी हैव टू स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसोमरिज्म, मेनली ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. तीन आइसोमरिज्म हमको स्टडी करने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फर्स्ट. सी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज ओनली ऑब्जर्व इन स्क्वायर प्लानर एंड ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आयन. या तो वो स्क्वायर प्लानर होगा या तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे तभी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलता है. ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पहले हम स्क्वायर प्लानर की बात करेंगे. सपोज स्क्वायर प्लानर में, स्क्वायर प्लानर मतलब ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4. कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है देन उसके पास चार लिगेंड्स जुड़े हुए हैं. अगर वो चार लिगेंड 2+2 टाइप के, 2+2 का मतलब क्या है, दो सिमिलर टाइप के एंड दूसरे दो भी सिमिलर टाइप के, तब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा. अगर वो दोनों जो सेम टाइप के हैं वो मेटल की एक साइड पे एंड दूसरे दो दूसरी साइड पे हैं देन ऐसे आइसोमर्स को हम बोलेंगे सीज आइसोमर. एंड अगर मेटल की ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगे देन वी कॉल इट ट्रांस आइसोमर. करेक्ट और नॉट, सीज एंड ट्रांस समझ में आ रहा है. उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है PTNA3 twice Cl twice. अगर दोनों क्लोराइड एक साइड पे सीज, दोनों क्लोरिन ऑपोजिट एज वेल एज NA3 ऑपोजिट, वी कॉल इट ट्रांस. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, इजी है ये. विल कंटिन्यू फॉर द, तो दैट वाज इन स्क्वायर प्लानर. अगर ऑक्टाहेड्रल में है तो क्या होगा, तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर इफ यू सी केयरफुली, सपोज वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2+4, मतलब दो टाइप के लिगेंड सिमिलर है एंड दूसरे चार है, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होंगे, 6 में से 2+4 का कॉम्बिनेशन हम लेने वाले. 2+4 के अंदर जरा ध्यान से देखेंगे, अभी ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है. यहां पे एक हमारे पास स्क्वायर प्लानर रहेगा एंड द 6 लिगेंड जुड़ते हैं, इट विल बी लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, नाउ 2+4 है. अगर ये दो जो है सिमिलर टाइप वाले, अगर ये स्क्वायर प्लानर की एक ही साइड साइड पे साथ में आते हैं और बाकी चार ऐसे रहेंगे देन उसको हम सीज बोलेंगे. तब उसको हम क्या बोलेंगे, सीज बोलेंगे, बराबर है कि नहीं. लेकिन अगर ऐसा नहीं है और सपोज हमारे पास इस तरीके से बन रहा है, यहां पे मेटल सेंटर में और 6 लिगेंड, ये दोनों जो सेम वाले अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट आ रहे हैं देन वी कॉल इट, तब उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, बराबर है, सीज और ट्रांस. और कहीं पे भी पोजीशन होता तो सीज एंड ट्रांस के फॉर्म में नहीं आ सकते. सपोज ऐसा होता यहां पे ए है और यहां पे बी है, वी विल नॉट कॉल इधर सीज और ट्रांस. सीज और ट्रांस तभी पॉसिबल है कि अगर ए दोनों के दोनों यहां पे ही है देन सीज है, और अगर यहां पे आ जाते हैं ऑपोजिट में देन वी कॉल इट ट्रांस. बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है. विल कंटिन्यू फॉर द, तो यहां पे बताया गया है हमें दिस इज सीज फॉर्म, यू कैन सी दिस एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म. एग्जाम्पल है PTNA3 twice CN4, दोनों NA3 स्क्वायर की एक ही साइड पे होने चाहिए, अगर ऑपोजिट में होते तो क्या बनेगा, बराबर है कि नहीं. अच्छा अभी जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पे
और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। वह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में इस तरीके से कि सपोज हमारे पास ये जो दे रखा है ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में अभी हमारे पास ए थ्री बी थ्री कॉम्बिनेशन है, लिगेंड्स कितने ए थ्री और बी थ्री के कॉम्बिनेशन में। अभी ए थ्री बी थ्री में कॉम्बिनेशन सीखा उससे पहले हमको ये पता है ऑक्टाहेड्रल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जब इसको हम ज्वाइन करते हैं तो वो चार ट्राइंगल्स सरफेस इस तरफ बनाएंगे। लेट मी ड्रॉ इट अनंत भाई, वो इस तरीके से बनाते हैं, ये एक ट्राइंगुलर सरफेस बनती है, देन दूसरी ये बनेगी, तीसरी ये बनेगी एंड चौथी पीछे वाले। देर आर फोर ट्राइंगुलर सरफेस, फोर ऊपर रहती है फोर नीचे रहती है, करेक्ट और नॉट वी नो अबाउट दिस। अगर ये वाला है और हमारे पास कॉम्बिनेशन है ए थ्री बी थ्री का, ए थ्री बी थ्री उस तरीके से लगते हैं कि तीनों ए जब ज्वाइन होते हैं और अगर हम उसको ज्वाइन करेंगे देन वो एक ट्राइंगुलर फेस के कॉर्नर्स पे आते हैं, एंड तीनों बी भी जब उसको हम ज्वाइन करेंगे तो वो भी ट्राइंगुलर कॉर्नर पे आएंगे, करेक्ट। देन इसको हम बोलते हैं फेसियल, उसको हम क्या बोलेंगे फेसियल, बराबर है कि नहीं, जैसे कि यहां पे बताया जा रहा है आपकी टेक्स्ट बुक में। कैन यू सी दिस ऑल थ्री ए एंड ऑल थ्री बी, उसको क्या बोला फेसियल। और अगर नहीं बन रहे, सपोज ये तीनों ए यहां पे आ गए, ओके, अगर आप तीनों ए को ज्वाइन करते हो वो नहीं बनाएंगे ट्रायंगुलर फेस, न तो ये बी भी नहीं बना रहे, दो बी ऊपर एक बी नीचे, देन उसको बोलेंगे मेरिडायनल। क्या बोलेंगे मेरिडायनल, एग्जांपल दिया गया है सीओ एन ए थ्री ट्वाइस थ्राइस एनओ टू थ्राइस, ये तीनों एन ए थ्री एक फेस पे फेसियल बन गया, एंड नहीं है तो मेरिडायनल। अगर आपको शॉर्ट नोट पूछते दो मार्क की तो यू हैव टू एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बराबर, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है, विल कंटिन्यू फर्दर। ये था आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, विल कंटिन्यू फर्दर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। नाउ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्पेसिफिकली याद रखना है कि इट विल बी सोन जनरली ऑब्जर्व इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल में ही देखने को मिलता है, नॉट ओनली ऑक्टाहेड्रल ओनली अलोंग विद किलेटिंग आयंस, मतलब आपके पास तभी देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये सिक्स लिगेंड्स होने चाहिए इसके बाजू में, ऑक्टाहेड्रल शेप होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, जो उसके पास लिगेंड है वो लिगेंड किलेट क्रिएट करने चाहिए, एंड वी नो किलेट के लिए वी नीड एटलीस्ट वन पॉलीडेंटेड लिगेंड, एटलीस्ट वन पॉलीडेंटेड लिगेंड चाहिए हमें। और जब ऐसा होता है तब हमें दो स्ट्रक्चर मिलते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक दूसरे की क्या है मिरर इमेजेस है, दे आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल, ये इसके पर इम्पोज नहीं हो सकती है, वी हैव स्टडीड अबाउट दिस इन लास्ट सेमेस्टर। थर्ड थिंग, अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, आई एम नॉट श्योर कि यह डेक्स्ट्रो है या नहीं है, बट जस्ट सपोज दिस इज डेक्स्ट्रो, देन दिस विल बी लिवर, उल्टा भी हो सकता है, ये लिवर हो सकता है, ये डेक्स्ट्रो हो सकता है। व्हाई आई वाज नॉट श्योर, द रीजन इज वेरी सिंपल, बाय लुकिंग एट स्ट्रक्चर यू कैन नेवर प्रिडिक्ट इट इज डेक्स्ट्रो और लिवर, दैट एश्योरेंस और अदर से दैट व्हाट डू वी से कंफर्मेशन ओनली कम्स थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, वो इसको डालना पड़ेगा पोलरीमीटर में, पोलरीमीटर विल शो यू द परफेक्ट थिंग, करेक्ट और नॉट, आपको समझ में आ रहा है। तो इफ यू स्टडी टेक्स्ट बुक, ओके, सर्टेन पार्ट इज फ्रॉम द लास्ट सेमेस्टर, देर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूलास आर सेम, बट द टू आइसोमर्स प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन इट, दे आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर, एंड द सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू आइसोमर्स
on each other is not possible. This type of complex N possesses property of chirality, and they are called optical isomers. The main difference between these two isomers is that both the isomers rotate the plane of polarized light opposite to each other in left or right direction. If the rotation is towards right, then we call it dextro, yeah, the positive rotation. If it is towards left, then we call it levo or a negative rotation. Correct or not? Now, ye part to easy hai, iske structures sikhane jaruri hai. मैं स्ट्रक्चर्स आपको सिखा रहा हूं, जस्ट गिव मी वन मिनट. सी एज वी आर सपोज टू स्टडी द स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में हमें ये ड्रॉ करना है, मैं आपको सिखाता हूं कैसे करोगे. ये दिया गया है सी आर सी टू ओ फोर थ्री थ्री माइनस. लेट मी एक्सप्लेन यू. सी आर सी टू ओ फोर, सबसे पहले यहां पे ऑक्सीलेटर लिगेंड्स वो तीन बार रिपीट हो रहे हैं. ऑक्सीलेटर इज बाइडेंटेड लिगेंड. ऑक्सीलेटर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. ऑक्सीलेटर इज लाइक दिस. यहां पे ये जो ऑक्सीजन है वो लिगेंड डोनेट लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने वाला है. आप लोग हमेशा ऐसे ही लिखा है सी डबल ओ माइनस, बट उसका करेक्ट स्ट्रक्चर इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल ओ सिंगल ओ माइनस, और ये डोनेट करने वाला है. तो हम कैसे कैसे करते हैं इसको, मैं आपको काफी सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं कैसे करना. ऐसे तीन रिपीट होने वाले. देखो ये स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है. ये स्ट्रक्चर पता होगा तो ही इजीली कर पाओगे. किस तरीके से मैं समझा रहा हूं. सबसे पहले आपको सेंटर में मेटल लिखना है, ओके, और उसके आजू बाजू में सिंस हेक्साडेंटेड है यहां पे, ओके, ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर आप बनाओगे एक दो तीन चार पांच और छह, ये ड्रॉ करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर लगाएंगे. किस तरीके से, सिंपल तरीका है, यहां पे ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने वाला है, उसको ड्रॉ कर दो एंड ड्रॉ लाइक दिस एंड दो और ऑक्सीजन लगा दो, ये बन गया. देन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस टू एंड इसके पर एक एक ऑक्सीजन लगा दो. देन यहां पे सी, इन दोनों को ज्वाइन किया और दोनों कार्बन पे, करेक्ट. देन हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे. यहां पे ऑक्सीजन सी सी आर यू गेटिंग दिस. समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या समझा रहा हूं. ये सुनो, एंड ये जो है इसके ऊपर माइनस थ्री भी लगा दो. ये वाला लगाया इतना छोटा सा ब्रैकेट करके, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना. करेक्ट. अभी दूसरा जो हमें बनाना है इसका मिरर इमेज बनाएंगे. क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज. तो इसका मिरर इमेज बनाने के लिए हम इस तरफ मेटल ले लेते, वापिस छह लिगेंड लगाएंगे इसके साथ, एक दो तीन चार पांच छ, करेक्ट. और इस बार इसकी मिरर इमेज, लास्ट टाइम हमने राइट हैंड साइड से चालू किया था, इस बार हम कहां से चालू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चालू करेंगे. इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और दो ऑक्सीजन यहां पे लगाएंगे, सी सी डबल बॉन्ड ओ करेक्ट. इस तरफ भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एंड देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, वी आर गेटिंग मिरर इमेज ऑफ दैट.
इसमें से एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लिवो होगा. वी डोंट नो बट वी नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ एन एग्जाम्पल. दे मे आस्क यू ओनली टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. गिव ऑप्टिकल आइसोमर स्ट्रक्चर फॉर CrC2O4 साइज माइनस. दैट वी शुड नो टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ओनली. ये इजी है, समझ में आ रहा है. यू नीड टू फॉलो दिस प्रोसीजर. जैसे कि अगर नेक्स्ट वाला हमको बताया गया है, उसके बाद तो हमारे पास PtCl2En2+. क्या है हमारे पास? PtCl2En2. तो देखो उसको भी कैसे ड्रॉ करते हैं. ये दिया गया आपको PtCl2En2+. यहां पे जो क्लोरीडो लिगेंड से वो तो मोनोडेंडेट है, उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करने की. मोनोडेंडेट में प्रॉब्लम नहीं है, उसको ड्रॉ करने का इजी चीज है. प्रॉब्लम किसका है? इथिलीन डायमाइन या तो इथेन 1-2 डायमाइन. तो इथेन 1-2 डायमाइन का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए. इथेन 1-2 डायमाइन का स्ट्रक्चर ऐसा है. यहां से वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने वाला है, ठीक है. तो अगर वो डोनेट करने वाला है, शुरुआत कैसे करोगे? तो उसी तरीके से जैसे अभी हमने सीखा. पहले आप मेटल ले लो. एक चीज पता है कि भाई इसमें तो हेक्साडेंटेट ही होने वाला है. तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. और सबसे पहले पिक किसको करने का मालूम है? जो छोटे नंबर में, जैसे कि यहाँ पे क्लोराइड 2 मोनो वाले, उसका 2 ही है एंड ई एन का 2, लेकिन ई एन टोटली 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे. एक ई एन 2 देता है तो 2 ई एन कितने देंगे? 4 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 2 ही क्लोरीन, तो पहले क्लोरीन को पिकअप कर लीजिए. पहले किसको पिकअप करोगे? क्लोरीन को. स्टार्ट विद दैट एंड देन ई एन को. एक ई एन को यहाँ पे लगाएंगे, इसलिए NH2 यहाँ दीजिए. वाई NH2? बिकॉज ये नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला है, उसको वहां पे लेंगे एंड देन ऐसे ज्वाइन करने के बाद CH2. सेम थिंग ओवर हियर. छोटा सा स्क्वायर ब्रैकेट एंड प्लस. ये समझ में आ रहा है? इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करना आएगा आप लोगों को. यू कैन ड्रॉ दिस मिरर इमेज नाउ. अभी मुझे वो ड्रॉ करके सिखाने की जरूरत नहीं है, यू कैन ड्रॉ इट. सो सिमिलरली यहां पे ये हमने किया जो मैं बताया गया था. मैंने अभी आपको ये सिखाया एंड द सेकंड वन ये सिखा. समटाइम्स क्या होता है, इफ यू आर नॉट यूज टू ड्राइंग देन देखने से डर लगता है, अरे यार ये कैसे ड्रॉ करेंगे. इफ यू आर नॉट यूज टू ड्राइंग ऑब्वियसली ओके. काफी सारे स्टूडेंट्स है, दे आर परस्यूइंग फॉर NID एंड सम अदर एग्जाम्स लाइक सेप्ट एंड ऑल दैट. तो उनके लिए ये बड़ी ईजी चीज है. बराबर ना ध्रुवी? करेक्ट. यू आर परसुइंग फॉर दैट ना ओके. एंड कसिस एंड सम अदर कंपनी इवन नेम नहीं. पुष्टि 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 एंड सम फ्यू मोर आई डोंट नो हु ओला. उनके लिए काफी इजी हो जाएगा क्योंकि उनके मैंने ड्रॉइंग्स इनके नहीं देखे, किसी और लड़की के मैंने देखे थे कल. वो क्या बना रहे थे यार, फैंटास्टिक थिंग्स ओके व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग. तो उनके लिए इजी है, बट हम लोग तो नॉर्मल आदमी है ना यार, हमारे लिए ये चाहिए. करेक्ट सर? इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है, आपको समझना, मुझे नहीं बोलना है. ओके विल कंटिन्यू फर्दर. ओवर हियर द नेक्स्ट वन CrCl2NH3+EN. ये भी इजी है, इसमें एक ही पॉलीडेंडेंट है EN. ये चारों की चारों कैसे मोनोडेंडेंट. तो जब हम यहां पे ड्रॉ करेंगे तो पिक पहले इसको कर लेने का, एक ये बना दो, बाकी जो चार सिंगल 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 आ जाएंगे एंड देन उसकी मिरर इमेज. इज इट पॉइंट? ये समझ में आया?